क्लासिक नंबर है, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुजरिम अकबर बलोच को सजाए मौत सुना। मैडम इतना इंतजार करा है आपने, अब तो आसमान भी रोने लगा है। गिन तो लिए होंगे आपने। देख तो होती है। क्या करें मैडम, आदत से मजबूर है। आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, तो बात ज्यादा लंबी ना हो जाए। जिस धज से कोई मक्तल पे गया, सुबह सूली चढ़ा है पर माशू की नहीं गई। तुम क्यों आई? तुम्हें मना भी किया था ना, शायद तकदीर को यही मंजूर था। अपनी तकदीर ही से तो मिलने आई। समाज की दीवार हमें प्यार नहीं करने देगी। प्यार तो क्या, ये हमें जीने भी नहीं देंगे। मुझे डर लग रहा है, अगर कोई तुम्हें मुझसे दूर ले गया और मुझे तुमसे, तो समाज के लिए मेरी बाइनी मुट्ठी काफी है, कोई नहीं लेके जा सकता तुम्हें मुझसे दूर। मेरे हीरो, मुझे थाम लो, जैसे ये पहली दफा, जैसे ये आखिरी दफा। होमवर्क करने के बजाय गंदी फिल्में देख रहे हो, वो भी नाना के साथ, शर्म नहीं आती? मम्मा, नाना ने ही तो लगाया है, उनको शर्म आनी चाहिए। तौबा है अब्बा, I thought I could trust you to educate him. अरे भाई, ये भी तो एजुकेशन है, आर्ट एजुकेशन। आजकल के बच्चों को कोई एप्रिसिएशन ही नहीं आर्ट की। माँ की, और किसी को तकलीफ ना दे, कोई परेशान। अब्बा प्लीज स्पेयर मी द लेक्चर, 1000 बार सुन चुकी हूँ। I thought आप इसका होमवर्क करा देंगे ताकि मेरी थोड़ी हेल्प हो जाती, मुझे इतने काम थे आज। भैया, हम बेबी सिटर ही बनकर रह गए ना। अच्छा, जब तुम छोटी सी थी ना तो तुम्हारी वालदा और मैं। अब्बा सॉरी, I got to take this call. बॉबी चलो चलो चलो। अम्मा, भगारे बैंगन बना के भेज दीजिएगा अब्बा के हाथ। बैंगन? इतनी गंदी भी नहीं थी। फिर से बैंगन? तुम्हें पता है मुझे नहीं अच्छे लगते बैंगन। किसको अच्छे लगते हैं बैंगन? जो भी, तुम फिर बना रही हो बैंगन? नहीं सिर्फ बैंगन नहीं, और क्या? टिंडे? अरे यार, कौन खाता है टिंडे बैंगनों के साथ? आयशा के सासू सर बहुत शौकीन है सब्जियां खाने के, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, रोज 5 किलोमीटर वॉक करने के लिए जाते हैं। अर्शद भाई, उन्होंने ना कभी सिगरेट पिया ना कभी पान खाया, और शराब, तौबा 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 तौबा। और आप? इसलिए उस साले की शक्ल भी बैंगन जैसी है, बोर। मैं ऐसी बोर जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, अल्लाह मियाँ सच्चे, 60 पे रिटायरमेंट, 62 पे हज,
देन डोंट बच, उसके बाद घर बैठो, नवासे को पढ़ाओ, बेटे की लिफ्ट का इंतजार करो, उसकी बीवी के ताने सुनो, अपनी बीवी को बहन की नजर से देखो, दूसरों की मर्जी का खाना खाओ, दूसरों की मर्जी की फिल्में देखो, अपनी उम्र का ख्याल रखो, और फिर मौत का इंतजार करो। आप जिंदगी से क्या चाहते हैं? रफ्तार, पागलपन। मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, गिरना नहीं, खैर गिरना तो नहीं चाहता लेकिन हम डिनर्स पे जा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, लोगों को टाइम देके लेट हो सकते हैं, रोज आज मूड नहीं है कल मिलेंगे, ये कहना चाहता हूँ। जिस किसी को मेरा दिल चाहे, फिल्में देखना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे बालों में फूल लगाना चाहता हूँ, नाटी नाटी बातों की लंबी लंबी चिट्ठियाँ तुम्हें लिखना चाहता हूँ, दुनिया देखना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ, आजाद होना चाहता हूँ। ये लाइनें मैंने किसी फिल्म में सुनी है। फिल्म में सुनी है। मेरी जान इसको कहते हैं इंस्पिरेशन। अच्छा, इमोशन तो ओरिजिनल है ना। फिर कोई आर्ट फिल्म देखी है तुमने? हाँ, तो क्या हुआ? करेले, टींडे, दही, एक एक किलो, पैसे गिन के दिए, हिसाब ठीक से लूंगी। अच्छा सुनिए, क्या? बैंगन एक किलो, वो तो मैं भूल ही गई। बैंगन की गन वेलकम बैक टू द शो लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आरजे सारा। जब घड़ी की सुई अटक जाए, साथी तुम्हारा थक जाए, मॉरल पुलिस कर दे रास्ता ब्लॉक, कहे बैंगन खाओ यार, तुम भी कर लो रोज 5 किलोमीटर्स वॉक। घबराओ मत, हमसे कर लो थोड़ी देर टॉक। तो आज का टॉपिक है मोहब्बत, मस्ती, जिंदगी, रिटायरमेंट के बाद। आज के शो में हम पढ़ेंगे नॉटी नॉटी बातों से भरी कुछ चिट्ठियाँ, सुनेंगे कुछ नटखट गाने और लेंगे मजेदार फोन कॉल्स। पर उससे पहले चलेंगे कमर्शियल ब्रेक की तरफ। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, अब 50% ज्यादा ताकत, गोली अंदर और तुम सिकंदर। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, वजारत रंगबाजी, हुकूमत फनकारी। जी लिसनर्स, तो अब चलते हैं अपने पहले कॉलर की तरफ। हमारे पहले कॉलर हैं फैसलाबाद से विकी। मोहब्बत, मस्ती और जिंदगी, रिटायरमेंट के बाद क्या सारा करेंगे? सारा सारा जिंदगी, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओके विकी, इसी बात पे सुनते हैं एक नटखट सा गीत। हल्का कट लगा है और फिर आए हाफ तो पूरा बच गया है, गिरते ही तवे पे उठा दिया गया है, ऑमलेट को तो जला दिया गया है और पिला दिया गया है गर्म सारा घी। ऑमलेट जिंदगी, चल निकल निकल जा, कितनी जल्दी है। हाँ जान, कैसा है तू? हाँ ठीक हूँ, और क्या?
अबे तू फिर गाड़ी चलाते हुए फोन पे बात कर रहा है, तुझे पता है तू मल्टीटास्क नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, मैं गाड़ी नहीं चला रहा, पंप पे हूँ, पेट्रोल डलवा रहा हूँ। और कौन कहता है मैं मल्टीटास्क नहीं कर सकता? अबे जान, तू फिर झूठ बोल रहा है। क्या हुआ, लानत है। अबे ठोक तो नहीं थी? अर्शु मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जा। हाँ अबे जान, तू फोन रख और गाड़ी चला, मैं सूफी भाभी को बताऊंगा। तू फोन रख, अबे फोन रख। हाँ क्या हुआ? अंकल उम्र हो गई है आपकी, ड्राइवर रख लें, यू आर अ हैजर्ड ऑन द रोड। अंकल होगा तेरा बाप, तेरे तेरे बाप के टीने। एके जी, हेलो सर जी। अरे साले, मेरे घर से क्यों पक के जाता है तेरे लिए खाना रोज? तू भी कभी कुछ भेज दिया कर, कंजूस साला। अबे हम लड़के वाले हैं, यही रिवाज है क्या भैंग? सर मुझे बताएं और क्या चाहिए, पूरा दिन नहीं है मेरे पास। बैंगन 1 किलो, करेले वो भी 1 किलो, मेरे इसमें फ्री की लूंगा। बेटा पैदा करके तूने कौन सा कोई बड़ा मार्का मार दिया है? असल में मैं ये कह रहा था कि जुबैदा भाभी बैगन बहुत अच्छा बनाती है। मुफ्त खाने की आदत होगी ना तो फिर कोई कढ़ाई गोश्त की फरमाइश कर, आलू गोश्त की फरमाइश कर। ये क्या फकरों वाली, और ये क्या अपनी शक्ल का नोट दे दिया मुझे, चेंज कर इसे। सर जी पुराने नोट का मतलब है कि इकोनॉमी बहुत बेहतर चल रही है, आपको तो खुश होना चाहिए। BSc इकोनॉमिक्स करके गाजरे करेले बेच रहा है, खाक इकोनॉमी अच्छी हुई है। सिगरेटों की कीमत बढ़ गई है, पेंशन उतनी की उतनी है। 150 रुपये बढ़ा के बनाना बिल, 150 रुपये ज्यादा। ओके सर। फुफी चाची ताई मामी सारे नु तू मारता है, हुन किनु मारेंगी? ओ बेबी जी मेरा खान। अस्तगफुरुल्लाह परवीन। हाय अल्लाह ना करे, ओनू कुछ नहीं होया, बस साडी लड़ाई होगी सी। हाय अल्लाह, फिर मैं रोज के पिंड टुर गई। फिर ते फिर वो आंदा मनांदा ता ही आंदी ना, एवें किवें कल्ली आ जांदी। तोबा परवीन, चल काम में लग, अगली दफा मैं तनख्वाह काटूंगी तेरी। हेलो बेटा, कैसा है तू, कहां गायब है, इतने दिन से कॉल ही नहीं की। ठीक हो अम्मा, आपको तो पता है यहाँ कितना काम होता है, ये सिंगापुर के चपटे जूस निकाल लेते हैं। करीम, I hope it's only clean juice on a Monday morning. Yeah, Tony, just orange juice. Give me 5 minutes. बड़े खबीस होते हैं सिंगापुर के चपटे। अम्मा, अब्बा कहाँ हैं? अब्बा काम से गए, तुम्हें पता है ना मैं उन्हें काम में मसरूफ रखती हूँ। आपने पैसों की बात की उनसे? बेटा मुझे समझ नहीं आ रही मैं उनसे कैसे बात करूं। हर वेले पैसे आते दुआ। तुम्हें पता है ना रिटायरमेंट से पहले से वो पैसे जोड़ रहे हैं क्रूज पे जाने के लिए। अम्मा आपको तो पता है सिंगापुर में प्राइवेट स्कूल्स कितने एक्सपेंसिव होते हैं, और फिर मुझे दोनों बच्चों की फीस एक साथ जमा करानी है। अब्बा हो गया कर रहे हैं, एक ट्रिप पर ही तो जाना है, और ये कोई उम्र है उनकी और आपकी। हाय हाय बेबी जी, साफ दी जेब चो सूटा निकले, की करा सूट तो यहां रखा है ना, ते ना सही साड़ियां मौजा। नहीं बेटा, उम्र तो नहीं है उनके जाने की। तो फिर आप अब्बा से बात कर लेंगी? थैंक यू अम्मा, आई लव यू। तुम्हारी बीवी कैसी है, बच्चों को उर्दू बोलना सिखा रही है? जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। अम्मा 2 मिनट में फोन करता हूँ, 2 मिनट में। करीम बात सुनो, बंद कर दिया। परवीन जी, बीबी जी सिगरेट फेंक तो नहीं दिए? कॉलेज में पिया करती थी, ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, बस कभी कभार छुप छुप के। आप टेंशन में पीती हूँ कभी कभार छुप छुप के। बीबी जी मैं बोल रहा बात चलन नहीं, वो तो एवं ही कदी कदी सूटा ला लैंदा हुंदा है। और मैं दसो ये सारी शर्मो होया शराफत ये 3 इंच ते सूटे च पई है। और छड्डो जी, मैं इनियां बेगमां नूं जानी आ, बस सिगरट ही नहीं पींदियां, बाकी ते अल्लाह माफ करे, तौबा करो जी। तुसी चंगे हो। एक गल सोच रही सा बीबी जी, तुसी भी कदी कदी पींदे हो
लुक लुक के सा बेचारा भी कदी कदी पींदा है लुक लुक के ते तो फिर हल्के क्यों नहीं पींदे है नहीं वैसे है ते सेहत वास्ते चंगी चीज नहीं पर लाइफ इज फॉर एंजॉय वेखो ना पता नहीं कल हो ना हो कल हो इसीलिए नहीं पीती सिगरेट ना पीने देती हूँ शर्म कर जान के आगे मैं सिगरेट पीऊंगी तू मुझे क्या समझा रही है रोज अपने बंदे से लड़के आ जाती है जवान रखनी है उनू जे मैं ना ना लड़ा ते कदों दा मर गया होंदा देखो मेरी गल सुनो हुन बच्चे जड़े ने उनां कोल है टाइम साडे वास्ते उनां दे अपने घर बार अपनी जिंदगी असीं दोवां ने एक दूसरे नूं जवान रखणा है ना मैं ना उनू आइसक्रीम दी फरमाइश भी करनी आ ते पता बीबी जी कदी कदी असीं दोवें रल के ना मोटरसाइकिल ते बह के दही भल्ले खाण भी जाने आ तुसी भी करो ना ट्राई अल्लाह दी कसम बड़ा मजा आएगा मोटरसाइकिल पे बैठ के चल पागल अच्छा बीबी जी ओ मैं जाना है अपनी फूफी दे पुत्र दे की केते तुसी मेरे जोड़ा देना कौन सा वाला ओ हरे वाला अच्छा चल दे दूंगी तुझे ये यस यार मैं क्या करूं मेरा तो आज तक कोई रिलेशनशिप नहीं बन पाया किसी से जो क्यों भाग जाता है यार ये वाला देख ये कैसा है ये बड़ा सालू अरे देख भी रहा है नंबर दे दूं रेड मीट सेहत के लिए कितना मुजिर होता है पता है ना तुझे नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है गेम चेंजर वो देख इसलिए सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती है नहीं है? सोडा ड्रिंक नहीं पीता मैं डाइट है ले ले है? शर्म आनी चाहिए यार दिन दहाड़े वो भी कोल्ड ड्रिंक में मिला के अरे जान अपना ख्याल रख यार मुझे देख मैं 4 किलोमीटर वॉक करता था अब 5 किलोमीटर मैं जॉग करता हूँ तू भी कर मैं भी कर लूंगा आहिस्ता आहिस्ता 5 किलोमीटर वॉक कर लूंगा फिर क्या होगा फिर तू फिट हो जाएगा फिर तू अपने आप को पुश करेगा तो शायद 6 किलोमीटर भी वॉक कर ले फिर मतलब है भाई तू हेल्दी होगा तू कुछ भी कर सकता है मकसद है तो टेंशन फ्री होके चिल भी कर सकता है ना अभी मैं क्या कर रहा हूं यार तू फिर मजाक कर रहा है और मैं सीरियस हूं ये अचानक रेबल कहां से आ गया तुझमें मैं भी सीरियस हूं भाई या नहीं हूं क्या फर्क पड़ता है सारी जिंदगी तो सीरियस होके गुजारती है किसी ना किसी चीज के पीछे भागते भागते All the world's a stage and all the men and women are merely players. They have their exits and their entrances and one man in his time plays many parts. His act being 7 stages. Ye kya hai? Kya hai? Shakespeare sahab, ye main nahi bol raha. Shakespeare bol ke kya? Hum ek act se dusre act bhagte bhagte guzar dete. Kabhi sahi zara hero ki zara khade hokar dialogue hi nahi diya. Crowd ki taaliyon ka intezar hi nahi kiya. अब तेरे और मेरे में फर्क क्या है मैं ये जो छठे एक्ट से सातवें एक्ट का सफर है ना एंजॉय करना चाहता हूँ और तू तेजी से भागता चला जा रहा है सेवन एक्ट की तरफ और ये सेवन एक्ट है क्या ऑब्लिवियन सांस टीथ सांस हेयरिंग सांस साइट सांस एवरीथिंग फिनिश्ड खलास कबूत कहीं
इसीलिए तुझे कह रहा हूं कि पी ले थोड़ा जी। एक चुस्की लगाएगा मर नहीं जाएगा साले। आए अर्शिव। अरे क्या हुआ है? क्या हुआ अर्शिव? दादा का इंतकाम हुआ। बेशक स्टॉप इट। तुम लोग आए, ये देखें ये कैसे रो रही है। बॉडी देखेंगी? आ जाओ आपको बॉडी दिखाता हूँ। यहाँ पर है बस जी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब कौन चला जाए। हिम्मत रखिए। भूख लगी, चल बिरयानी खाते हैं। अरे नहीं नहीं बहुत बुरी है यार। वापसी पे जेंडर्स पकड़ लेंगे। बेचारी सारा को देखो कितना रो रही है। अर्शद भाई ने लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाया होगा ना। ऐसी बातें नहीं करते। तो आप करो। आयशु बॉडी को ले जाने का टाइम आ गया। अम्मी बॉडी को ले जाने का टाइम आ गया। आज सुबह तक तो ये अर्शु थे, सिर्फ मेरे अर्शु। आप सब लोग इन्हें बॉडी क्यों कह रहे हैं? आज सुबह मैं सारू थी। अब सब मुझे इनकी बेवा क्यों बोल रहे हैं? जगा दो जगा दो, वो नींदे लौटा दो लौटा दो, हमें फिर सुला दो, गुजारिश यही। ख्वाबों में आओ ख्वाबों में आके संभालो। सर जी संभालो, ठहर जाओ वैसे जैसे कभी। और तुम ये जानो के तेरे बिन हम कुछ भी नहीं। दिल में जगा दो थोड़े से थोड़ी जगा दो, बिठा दो, सताएंगे तुमको कभी भी नहीं। बादल से ऊंचे पहाड़ों सी दूरी मिटा दो,
बुला लो हमें पास अपने, मिलेगी खुशी और तुम ये जानो के तेरे बिन हम कुछ भी नहीं। जिंदगी अभी बहुत बाकी है, जी लो। तुम भी आंखों से गुम है उजाले ये सारे, लौटा दो ये बारिश बहारें ये सर्दी की रातें, नजारे हैं बिन तेरे बेकार सारे, भटकी सांसें हैं अपनी ये राहें, इन्हें भी दिखा दो दिखा दो। और तुम ये जानो के तेरे बिन, और तुम ये जानो के तेरे बिन। जान मैं पूछना चाह रही थी कि आपने करीम को पैसे देने के बारे में क्या सोचा? हर परसों बैठ जाऊंगा, मेरा बेचारा दोस्त सारी जिंदगी दूसरों के लिए जीता रहा, अपने लिए कुछ भी नहीं किया, अंजन के लिए जिंदगी गुजारी, उसकी यादों समेत उसे लौटा दो हमें फिर सुला दो, गुजारिश यही और तुम ये जानो के तेरे बिन, और तुम ये जानो के तेरे बिन। कोई
फिर से ऐसा कोई मेरी जिंदगी में आए, मुझे अपना बनाए, दिल में मेरे घर बसाए, रातों को ना सोए, सात दिन भी गुजारे, रूठूं तो मुझे मनाए, मेरे नाश यूं उठाए, फिर वो मुझसे धोखा खाए, फिर वो मुझसे धोखा खाए, खाके मुझसे रूठ जाए, रोके मम्मा को बताए, मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे कोई फिकर 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 नहीं। Zoopy darling. क्यों, क्या मैं हीरो नहीं लग रहा? नहीं, ये बात नहीं है, बस मुझे बचपन की एक कहानी याद आ गई। कौन सी कहानी? कहानी तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसका खुलासा कुछ यूं है, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। हंस लो, हंस लो, जितना हंसना मैं भी एक दिन अर्शो की तरह बन गया। बस इससे आगे एक लफ्ज नहीं बोलना, वरना मैं तुम्हारा गला खुद दबा दूंगी। क्या चाहते हो बोलो, जो कहोगे मैं करूंगी। तो फिर आज के सारे प्लान्स कैंसिल, आज की शाम हमारे नाम, बेड पे तुम्हारे कपड़े पड़े हुए, उन्हें पहनो, अच्छी तरह तैयार होकर आओ, हम बाहर चलेंगे। नहीं जान, मुझे बहुत काम है, मुझे माली के साथ। मेरी जोरा जमीन, तुम्हें नहीं मालूम तू अभी तक है हसीन, मैं नहीं कर सकती आज। जान, जान, मैं ये नहीं पहन सकती। तुमने कहा था तुम सब वो करोगी जो मैं तुम्हें कहूंगा। तुम अभी तक हो हसीन, और तुम जवान। जान कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ, ये क्या है? ये पुराना हथियार, पता नहीं ये स्टार्ट भी होगा या नहीं। Zoopy darling, just because हम हथियार उठाते नहीं, इसका ये मतलब नहीं चलाना भूल दें। चलते चलते हंसते गाते पीछे पीछे आगे आगे, क्या पता कब कहां हो जाए बंदा ऑफ। जीवन ये पल भर है, दर बदर सिकंदर है, अब मैं चुप ना रह सकूं, बोल दूं जो मन में मेरे है। क्या बस एक नंबर है, उम्र बस एक नंबर है, उम्र बस एक नंबर है, उम्र बस एक नंबर है।
दिल की दिल से बात हो तुम जो मेरे साथ हो, ये जमी भी अंबर है। कैसी शर्म कहने दो इस नशे में बहने दो। जान, मैं कभी डेट पे नहीं आई, क्या होता है डेट पे? ये तुम्हारे इर्द गिर्द हो रहा, लोग एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। अच्छा, और? और प्यार भरी नजरों से एक दूसरे को देखते हैं। अच्छा, और? और कभी कभी एक दूसरे से शिकायत भी करते हैं। शिकायत करनी है आपको? करनी है। कीजिए। जब से घर में बेटा पैदा हुआ है, मैं आपके घर में सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मर्द बन गया हूँ, क्योंकि अब तो बेटा है ना भाई, उसने खाया नहीं खाया वगैरह वगैरह। मेरी भी एक शिकायत। एक दिन सुबह उठी तो मेरे दो नहीं तीन बच्चे थे। हाँ। क्योंकि सबसे बड़े बच्चे तो आप हैं। मेरा पहला बचपन जो था ना, वो तो माँ बाप की डांटों और किताबों की नजर होगी। अब ये जो दूसरा बचपन है ना, ये अल्लाह मियाँ का तोहफा है, इसे मैं जाया नहीं होने दूंगा। पागल। गर्म ये दिसंबर है, उम्र बस एक नंबर है, हर अदा सितमगर है, उम्र बस एक नंबर है। चलते चलते हंसते गाते पीछे पीछे आगे आगे, क्या पता कब कहां हो जाए बंदा ऑफ। उम्र बस एक नंबर है, उम्र बस एक नंबर है। लगाम सीवीओ पे बच्ची लेके बैठे, शर्म तो नहीं आ रही होगी बड़े भैया? अरे बात सुन, कौन है तू? तमीज से बात करो। बूढ़ा होगा तेरा बाप साले, ये मेरी बीवी है। ओ अच्छा, बीवी है, मान लिया कि ये आपकी बीवी। हमने भी दाढ़ी के बाल इस तरह सफेद नहीं किए। कौन अपनी बीवी को सीवीओ पे लेके बैठता है और कौन गाने गा गा के बालों में फूल लगाता है, ये तो पर्चा होगा थाने जाना। देख के बात करो। जान कंट्रोल। I know your seniors. The DIG is my personal friend. Do you understand? अच्छा, हाँ। समझ ही नहीं आया। Don't speak English with me. If I speak English with you, then you are a black face. If he is a wife, kindly show nikahnama in America. अब भाई साहब, gentlemen, sit down. रोज नहीं लेकर आता है, मैं तो पहली बार आया हूँ। बशीरे क्या हो गया तुझे? इतने बड़े बुजुर्ग से लड़ा है तू? हैं सर जी, सर जी इज अ मिसबिहेव। अरे तू इंग्लिश क्यों बोल रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? चलो चलो भाग यहाँ से। वाह अंकल जी वाह, अपना नहीं तो आंटी की उम्र का ख्याल कर ले। आंटी हो गई। सर आंटी आपकी माँ है। इस पे नजर रखना, शी इज टेररिस्ट। राइट सर। दिन दिहाड़े शराब पीता है, तुझे शर्म नहीं आती? मैडम गलती हो गई, अगली बार कसम से सिर्फ रात में पीऊंगा। अच्छा तो रात में पिएगा, चल तुझे बताती हूँ मैं।
शुक्र करें मैडम, आप बिलाल साहब के रेफरेंस से आई हैं तो मैं FIR नहीं काट रहा, वरना आज फ्राइडे है, मंडे से पहले आप निकलवा नहीं पाती मुलजिम को। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बस गुस्से के जरा तेज है, वरना यकीन माने इंसान शरीफ है। शरीफ? मैडम शरीफ इंसान ये नहीं करता है। अरे अरे जानू यार, मैं क्यों जेल में जाऊंगा? उस राजू को छुड़ाने आया था मेरा दोस्त, नहीं दिन दिहाड़े शराब पीते पकड़ा गया। बाकी जानू अब मैं इज्जत की रोटी कमाऊंगा, दोनों मिलके खाएंगे। तो ये बता तूने क्या बनाया? मुझे भी खिला। और बात सुना, मैंने ना कुछ तेरे लिए प्लान किए। अब्बा, आई रियली कांट बिलीव दिस सिचुएशन। What do you have to say for yourself? मैं आपसे बात कर रही हूँ, पुलिस थाने से लेकर आई हूँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। आई मीन हाउ कुड यू? अब्बा सीरियसली, यू थिंक दिस इज अ जोक? आयशु तुम्हें पता है कि मैं टेंशन में अपनी IBS कंट्रोल नहीं कर सकता। और आपको पता है आपने एक सिटिंग ASI को मुंह पे मुक्का मारा है, ये कितना बड़ा केस बन सकता था? अगर बिलाल के चाचू हेल्प ना करते तो इस वक्त आप जेल में बैठे हुए सड़ रहे होते, और आपके बराबर में ये आपकी बेगम भी बैठी हुई होती। आई मीन आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड दिस चाइल्डिश इमैच्योर बिहेवियर। और ये कपड़े क्या पहने हुए आपने? ये कोई उम्र है ये सब हरकतें करने की? और अम्मा, अम्मा को भी आप ही ने पहनवाए होंगे ये कपड़े। I just can't believe it. और मोटरसाइकिल पे घूम रहे थे, लोगों ने देखा होगा। What will I tell my mother-in-law? वो अपने खानदान वालों को क्या बताएंगी कि मेरे अब्बा लोफर हो गए हैं इस उम्र में? ओ गॉड, अशरफ चाचू किस किस को बताएंगे? मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि आज मैं आप लोगों को पुलिस स्टेशन से लेकर आ रही हूँ। आई मीन वाओ, ये दिन भी देखना था मुझे। 4 घंटे बर्बाद कर दिए मेरे, गेम्स नाइट पे जाना था मुझे। वेट टिल करीम भाई फाइंड्स आउट। ज़ैनब इज गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट विद दिस। ओह गॉश, लॉर्ड के बुद्धू घर को आए। अम्मा सीरियसली, आप ही कुछ ख्याल कर लेती। अच्छा मुझे प्लीज़ एक कप चाय बना दें, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अब्बा क्या ज़रूरत थी इतना ड्रामा करने की? घर पे भी तो TV है ना? लेकिन नहीं, यू ऑलवेज हैव टू क्रिएट अ सीन। लोग क्या कहेंगे, इस बुढ़ापे में जवानी चढ़ी है मेरे अब्बा को। एक तो करीम भाई, हेलो करीम भाई, सिंगापुर में 2 बज रहे हैं रात के, आप सो जाएं, परेशान नहीं हो। ले आई हूँ मैं इन्हें घर थाने से, बिलाल्स चाचू हेल्प्ड। ऑब्वियसली कैसे सो सकता हूँ, मेरे अम्मी अब्बा वायरल हो गए सोशल मीडिया पे। क्या? हाँ मेरे दोस्त ज़ैनब की सहेलियाँ, ज़ैनब के मैके वाले सब लोग मुझे वीडियो में टैग कर रहे हैं। यार अब्बा को फोन दो। अब्बा, Abba, I'm so ashamed of you and so disappointed in you. We need to see a professional about this. Abba, this is not normal. 2 मिनट हो गए आपके? जी? 2 मिनट बाद फोन करना था ना, 2 महीने पहले। इतने दिन से तो ख्याल नहीं आया, आज ज़ैनब की माँ ने टैग किया तो तुम्हें याद आ गई। ज़ैनब से कहना अगली दफा जब उससे बात करनी होगी ना, तो उसकी माँ की और उसके टेनिस इंस्ट्रक्टर की वीडियो बना के मैं उसे टैग कर दूंगी, और फिर उसे शायद ख्याल आ जाए कि मैं अपनी सास को फोन करके पूछ लूं। और तुम्हारी मजाल कैसे हुई मेरे शोहर से ऐसे बात करने की? तुम होते कौन हो? 4 ईदों से तो तुम घर ही नहीं आए, एक आना कभी कंट्रीब्यूट नहीं किया, अभी तक तो हम ही दे रहे हैं ना।
पूरी उम्र अपना पेट काट के तुम एहसान फरामोश औलाद को पाला है तुम्हारे अब्बा ने। अपना रिटायरमेंट फंड तोड़ के उन्होंने तुम्हें अमरीका भेजा और तुम वहां जाके एक गोरी के इश्क में मुब्तला हो गए और फिर चौथे सेमेस्टर में फेल होके घर आ गए। तुम्हारे बाप ने तो ये नहीं कहा आई एम डिसअपॉइंटेड इन यू, बल्कि तुम्हारी पीठ थपथपा के कहा इट्स ओके आई एम देयर फॉर यू। सारों के पेरेंट्स जब अवार्ड लेने जा रहे होते थे हम तुम्हें डिटेंशन से ला रहे होते थे, हमने तो कभी एहसान नहीं जताया। और तुम जब तक तुम्हें बात करने की तमीज ना आ जाए ना मेरे शोहर को फोन मत करना। अम्मा अम्मा ये मतलब नहीं था मेरा। अम्मा मैं चलती हूँ, बॉबी वेट कर रहा होगा। बेहतर है, महके के चक्कर कम लगाया करें। सॉरी अब्बा थोड़ा ज्यादा हो गया। शुक्री जहांगीर, कल ये पहनू? सुबह यार क्या तूने मजा चुका है इस आसान फरामोश औलाद को। इमान जान, क्या हम असल में वायरल हो गए? देखते हैं। अंकल जी आंटी जी बेटा कर दे हमको माफ। चलते चलते हंसते गाते पीछे पीछे आगे आगे क्या पता कब कहां हो जाए बंदा ऑफ। जीवन ये पल भर है दर बदर सिकंदर है। अब मैं चुप ना रह सकूं बोल दूं जो मन में मेरे है। क्या उम्र बस एक नंबर है, उम्र बस एक नंबर है। उम्र बस एक नंबर है।